हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज अगेन मैं आप लोग के सामने चंद पंक्तियाँ लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है पतझड़। आई होप आप लोग को ये कविता पसंद आएगी। तो अगर आप लोग को पसंद आती है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको पसंद नहीं भी आती है तो भी प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो जो आने वाली पंक्तियाँ मैं लिखूंगी उसमें उस चीज़ का सुधार कर सकूंगी। तो अपना प्यार बनाए रखें, आप लोग का भरपूर प्यार वैसे मिल ही रहा है, तो आगे भी अपना प्यार बनाए रखें। और मैं स्टार्ट करती हूँ पतझड़। तो ये जो पतझड़ कविता मैंने लिखी है, या आप पंक्तियाँ भी कह सकते हैं, ये खाली हम पेड़ पौधों से रिलेटेड ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम ह्यूमंस की लाइफ से भी रिलेटेड है। क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं होती है किसी के लिए भी, हर किसी को बदलना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पतझड़। हरियाली कितनी भी सुंदर हो, हरियाली कितनी भी सुंदर हो, पर इसको एक दिन झड़ना होगा। रंग बिरंगी डाली को भी, रंग बिरंगी डाली को भी एक दिन बेरंग होना होगा। फल फूलों को भी एक दिन, फल फूलों को भी एक दिन अपना स्थान छोड़ना होगा। महकी महकी खुशबू को भी, महकी महकी खुशबू को भी वक्त के साथ बदलना होगा। मोटी पतली डाली को भी, मोटी पतली डाली को भी परिस्थिति के अनुसार कैसे जीना है ये उसको भी सीखना होगा। हरी हरी पत्तियों को भी, हरी हरी पत्तियों को भी एक दिन सूखकर गिरना होगा। खूबसूरती से उसको एक दिन, खूबसूरती से उसको एक दिन बदसूरती में बदलना होगा। नहीं समय एक जैसा होता, नहीं समय एक जैसा होता, सीखना हर मानुष को होगा। सजो रखा है जो भी हमने, सजो रखा है जो भी हमने एक दिन सबको तजना होगा। जो जीवन आज तुम्हारा है, जो जीवन आज तुम्हारा है, कल उसको विपरीत होना होगा। समझ जाओ ओ धरती वासी, समझ जाओ ओ धरती वासी, पतझड़ सबको होना होगा, पतझड़ सबको होना होगा। धन्यवाद।